नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा और मेरे साथ हैं जीरन सिद्दीकी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के तहत आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। तो जीना ताज सबसे बड़ा पर्व और सबसे बड़ा दिन। बिल्कुल, और हम यही अपील भी कर देते हैं कि आप लोग प्लीज वोट डालने जरूर निकलिएगा। तो अपने घरों से निकलिए, मतदान केंद्रों तक जाइए। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग होगी। जीनत, बिल्कुल, और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो 5 सीटों पर आज वोटिंग है। लगातार हम आपको अपडेट्स जो है देंगे, कहां पर किस तरह से उत्साह है, अपील भी कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो पहले चरण में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और उत्तराखंड के टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में मतदान किया जाएगा। सही बात है। और बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो 8 सीटों पर 1.5 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल करेंगे। इनमें काफी संख्या में पुरुष और महिलाएं हैं। आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सीटों पर इस बार सियासी मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर। पश्चिमी यूपी में 8 लोकसभा सीटों पर हो रहे मतदान से जुड़ी हर खबर पहुंचाने के लिए 8 जगहों से हमसे जुड़ गए हैं। मेरठ से निखिल अग्रवाल, गौतम बुद्ध नगर से कुणाल जायसवाल, गाजियाबाद से अमित राणा, सहारनपुर से देवेश त्यागी, शामली से शाहनवाज राणा, बिजनौर से शकील अहमद, मुजफ्फरनगर से बिनेश पवार, बागपत से शहजाद राव। देखिए, हमारे तमाम सहयोगी सुबह से ही जो है अपडेट्स, जानकारियां और जो भी खबरें हैं पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, तो इलेक्शन मतलब होता है न्यूज 18 और जाहिर तौर पर यही जीनत हमारी ताकत है, यही हमारी स्ट्रेंथ है जिसको आज हम स्क्रीन पर प्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जगहों पर न्यूज 18 के संवाददाता पल पल के अपडेट्स के साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं। ठीक बात है, 8 यूपी की सीटें, 5 उत्तराखंड की। शुरुआत हम उमेश से करते हैं, पश्चिमी यूपी की जब हम बात करते हैं। उमेश जो है तमाम इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह की तैयारियां हैं उमेश, किस तरह का उत्साह, क्योंकि अब धड़कनें बढ़ती हैं जैसे जैसे वक्त का, वोट का वक्त आता है। जी हाँ, देखिए, लोकतंत्र का महापर्व आज है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल आज है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए आज मतदान होना है, आज बड़ा दिन है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त एक पोलिंग बूथ पर मौजूद है और यहाँ तैयारियां की जा रही हैं। मशक्कत में जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो जुटे हुए हैं, ईवीएम को सजा धजा रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं ये तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ का हाल है और आज मतदान होना है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये ईवीएम टेबल पर सजाई जा रही है। 7 बजते ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 7 बजते ही मतदान शुरू हो जाएगा और हमें इंतजार रहेगा कि पहला वोटर कौन होगा। मैं लगातार आज दिन भर और हमारी टीम आज लगातार दिन भर पल पल की अपडेट लोगों तक पहुंचाती रहेगी। कुछ कर्मचारियों से बात करते हैं, आप ये बताइए, ईवीएम को सजा धजा रहे हैं, आज लोकतंत्र का महापर्व है, कितने खुश हैं आप, कितना उत्साहित हैं और जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से कहना चाहेंगे कि जो है इस महापर्व पर जो है अधिक से अधिक जो है मतदान करें। हाँ, अधिक से अधिक मतदान करें, कितना उत्साह है आप लोगों में? आप लोगों का उत्साह, क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं 5:30 बजे इस पोलिंग बूथ पर आ गया था और तभी से आप लोग ये सारी तैयारी कर रहे हैं कि आज महापर्व का दिन है, आज बड़ा दिन है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, महापर्व है आज, अच्छा है और ज्यादा से ज्यादा वोटरों को पोलिंग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वोटरों को आ जाना चाहिए, मतदान करना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, यहाँ टेबल सजाई जा रही है और महिला कर्मचारी, पुरुष कर्मचारी, अधिकारी सब जुटे हुए हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी, कितना प्रिपेयर्ड हैं आज और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है जनता के लिए, क्योंकि आज हम अपना नेता चुनेंगे, अपना सांसद चुनेंगे, अपना प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। ये दिन हमारे लिए और सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 5 साल बाद आता है और इसलिए हमें 100% वोट करनी चाहिए सभी को और इसमें बिल्कुल उमेश वोट डालना चाहिए। और मतदान केंद्रों तक सुबह 7 बजे से ही लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाएंगी और ऐसे हम उम्मीद करते हैं और लोग जो है
अपने मत का प्रयोग करेंगे और नेता चुनेंगे जाहिर तौर पर। लेकिन आप जाटलैंड में हैं, बागपत में हैं, जहां से चौधरी चरण सिंह 3 बार जीते हैं, अजीत सिंह वहां से 6 बार जीते हैं। भले ही अजीत सिंह इस बार बागपत के सियासी दंगल को छोड़ करके मुजफ्फरनगर चले गए हों उमेश, लेकिन इस बार का मुकाबला काफी कांटे का है। जाटलैंड में जिस तरीके से 2 जाटों के बीच टक्कर हो रही है, सतपाल सिंह वहां से सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जयंत चौधरी को इस बार सियासी दंगल में उतारा है, कितना कड़ा मुकाबला देख रहे हैं दोनों के बीच वहां पर आप? देश की 8 लोकसभा सीटों के लिए हर जगह बेहद ही कड़ा मुकाबला है और डायरेक्ट फाइट हो रही है गठबंधन वर्सेस बीजेपी की, और कहीं कहीं ट्रायंगल बना रही है कांग्रेस, गठबंधन कांग्रेस और बीजेपी, कहीं कहीं ट्रायंगल बन रहा है और कहीं कहीं सीधा मुकाबला है। तो बागपत की जो लड़ाई है वो सीधी लड़ाई है, यहाँ गठबंधन वर्सेस बीजेपी के सामने सीधी लड़ाई है। एक तरफ जहाँ जयंत चौधरी चुनावी मैदान में है, चौधराहट बचाने की ये जंग है, चौधरी सतपाल सिंह और चौधरी जयंत का मुकाबला है, बेहद ही कड़ा मुकाबला है। और आपने ठीक कहा कि बागपत एक तरह से राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ रहा है, जाटलैंड इसे कहा जाता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ की जो लड़ाई है बेहद दिलचस्प है, क्योंकि जब 2014 के इलेक्शन हुए थे तो खुद अजीत सिंह बागपत से चुनाव हार गए थे, 6 बार के वो सांसद रहे हैं, लेकिन 2014 में मोदी लहर के दौरान वो चुनाव हार गए और इस बार वो खुद बागपत छोड़कर के मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे हैं और अपने बेटे जयंत चौधरी को बागपत से उतारा है। तो निश्चित तौर पर ये जंग जो है बागपत की बेहद दिलचस्प है, बेहद कड़ा मुकाबला है। मुजफ्फरनगर की जंग भी बेहद दिलचस्प है क्योंकि वहां संजीव बालियान वर्सेस अजीत सिंह का ये मुकाबला चल रहा है और 7 बजते ही मतदान शुरू हो जाएगा और छोटे चौधरी, बड़े चौधरी, चौधरी सत्यपाल सिंह सभी ने अपनी पूरी ताकत छोड़ रखी है, संजीव बालियान। इसके अलावा अगर हम कैराना सीट की बात कर लें तो कैराना का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प है क्योंकि जब बाई इलेक्शन हुए थे तो वहां गठबंधन की प्रत्याशी थी तबस्सुम हसन, वो जीत गई थी राष्ट्रीय लोकदल। उमेश जैसे आपने कैराना का जिक्र किया और कैराना, गोरखपुर और अगर हम बात करें फूलपुर, वहां के एक्सपेरिमेंट के बाद ही जो है दरअसल गठबंधन सक्सेसफुल हो सकता है, ये एक मैसेज गया। अब वहां पर कैंडिडेट्स उतारे गए, किस तरह से सीट्स अभी जैसे अनुपम ने भी जिक्र किया मुजफ्फरनगर और बागपत में, जैसे हम देखें कि अजीत सिंह जो है मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं। इश्यूज की जब हम बात करते हैं, क्योंकि आप लोग फील्ड में बहुत घूमे हैं, जनता के जहन में मुद्दे क्या हैं वो भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जाटलैंड है, फिर मुस्लिम वोटर्स भी हैं, 2013 में क्या हुआ, 14 में लहर थी, लेकिन अभी की स्थिति अगर हम बात करें स्पेशली मुद्दों को लेकर तो क्या है? जी हाँ, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 8 लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें, चाहे वह मेरठ की बात करें, बागपत की बात करें, सहारनपुर की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, कैराना की बात करें, गौतम बुद्ध नगर की बात करें, गाजियाबाद की बात करें या बिजनौर की बात करें, इन सभी सीटों पर एक मुद्दा सिर चढ़कर बोल रहा है, वो है गन्ना किसान। गन्ना किसान सबसे बड़ा मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 8 लोकसभा सीटों के लिए बिजली, पानी, सड़क जितना बड़ा मुद्दा नहीं है उससे कहीं बड़ा मुद्दा गन्ना किसान है, क्योंकि गन्ना यहाँ की रीढ़ की हड्डी है और गन्ना यहाँ की लाइफ लाइन है, धड़कन है, इसे आप धड़कन भी कह सकती हैं कि गन्ना यहाँ की धड़कनों में, यहाँ की रगों में बसता है। तो गन्ना मूल्य का भुगतान यहाँ एक बड़ा मुद्दा रहेगा, गन्ना किसान एक बड़ा मुद्दा रहेंगे। इसके अलावा जो मुद्दे बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, ये मुद्दे तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन गन्ना किसान बिल्कुल बिल्कुल उमेश, यहां पर गन्ने का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में, यहां गन्ना सबसे बड़ा मुद्दा। बिल्कुल बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास। निखिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निखिल मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, मेरठ में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प है और उत्तर प्रदेश में एक मेरठ को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सेंटर कहा जाता है, ऐसे में यहां पर इस बार किस तरह के समीकरण आप देख रहे हैं? गन्ना किसानों के भी मुद्दे हैं और जाहिर तौर पर जिस तरीके से जातिगत समीकरणों को राजनीतिक दलों ने साधा है, समीकरण कैसे बन रहे हैं इस बार? देखिए अनुपम, मैं आपको बता दूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश बिल्कुल चाहता है कि वोट करे और अपनी सरकार चुने, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि मेरठ जो भाजपा के लिए सेफ सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार कड़ा मुकाबला है गठबंधन के साथ। यहां पे गठबंधन प्रत्याशी हाजी याकूब कुरैशी खड़े हैं, वहीं सामने 2 बार के सिटिंग एमपी राजेंद्र अग्रवाल है जो 3री बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं चुनावी मैदान में। लोग चाहते हैं कि एक ऐसा सांसद चुन के जाए जो उनके अधिकारों का इस्तेमाल संसद भवन में कर सके, जो उनकी बात रख सके। तो अभी सब लोग वोट देना चाहते हैं, हम इस समय
में एक संवेदनशील बूथ पे खड़े मैं आपको दिखा सकता हूं कि तैयारियां यहां पर कर ली गई है, बूथ सजा लिया गया है। देखिए जिस तरीके से पुरुष और महिला की अलग अलग लाइनें हैं, मतदाता को जानकारियां देने के लिए महिला बैठी है और वहां पर टेबल सजा ली गई है, यानी बूथ पूरी तरीके से तैयार है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि मेरठ की जनता भी पूरी तरीके से तैयार है वोट देने के लिए। जनता चाहती है कि वोट देके वो अपना सांसद चुने ताकि वो एक अच्छी सरकार बना सके। लोगों के मुद्दे वही हैं। मेरठ में सबसे बड़ा मुद्दा हाईकोर्ट बेंच का भी है, गन्ना किसान भी यहाँ एक बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा सड़क बिजली पानी तो मुद्दा है ही, लेकिन धर्म आधारित और जातिगत आधारित वोट बैंक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ी बात करें, जाति आधारित जाहिर तौर पर वोट बैंक, और इसीलिए दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बना करके तमाम राजनीतिक दलों ने पिछले वक्त में सेंधमारी करने की कोशिश की है। कुल 35 लाख वोटर जीनत आपको बताएं कि मेरठ लोकसभा में है, जो आज नेताओं के भविष्य का फैसला करेंगे। एक और चीज अनुपम, इन 8 सीटों में देखिए इंटरेस्टिंग जो है, कैराना एक ऐसी सीट है जो ठीक है बाद में तबस्सुम हसन जीते, लेकिन बीजेपी के लिए चैलेंज है कि वो वापस ये स्थिति बरकरार रख पाती है, क्योंकि 7 सीटें तो उसके पास है, तो खोने वाली स्थिति। मेरठ की अगर 5 विधानसभाओं की बात करें तो 2 बीजेपी के पास, 2 एसपी के पास और एक जो है हम 2 कांग्रेस और 1 एसपी, तो स्थिति जो है बहुत इंटरेस्टिंग रहती है। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, उत्तराखंड की 5 सीटें और कैंडिडेट्स उतारने में जो स्मार्टनेस हमने देखी है स्पेशली बीजेपी की तरफ से, किस तरह की वहां पर बातें हो रही हैं और क्या अभी आप ग्राउंड पर देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल ठीक कहा, बीजेपी ने 5 लोकसभा सीटों में से 2 अपने बुजुर्ग उम्मीदवारों का टिकट बदल दिया, जिसमें भगत सिंह कोश्यारी और बीसी खंडूरी का टिकट शामिल था। लेकिन कांग्रेस ने भी अपने दिग्गज नेता मैदान में उतार दिए, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत चुनावी मैदान में है, उनके प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। और यही नहीं, वो बीसी खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी को अपनी पार्टी में कांग्रेस ने शामिल किया और पौड़ी से उनको भी टिकट उन्होंने दिया है। तो ऐसे में कांग्रेस के भी दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नैनीताल, अगर एक हम पर्टिकुलर सीटों की बात करते जाएं तो नैनीताल से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत के बीच बिल्कुल सीधा मुकाबला है, और दोनों विधानसभा चुनाव हारे हुए कैंडिडेट हैं, और दोनों हारे हुए कैंडिडेटों के बीच ये महामुकाबला होने जा रहा है। इसके बगल की हम अल्मोड़ा लोकसभा सीट की बात करें तो वहां पर प्रदीप टमटा जो राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के, उनका और जो बीजेपी के सिटिंग एमपी हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं अजय टमटा, उनके बीच सीधा सीधा मुकाबला यहां पर नजर आ रहा है। यहां पर भी कांग्रेस के पास कैंडिडेट का टोटा दिखा, इसलिए उन्होंने राज्यसभा के सांसद प्रदीप टमटा पर दोबारा से दांव खेलने की सोची, क्योंकि वो पिछला 2014 का लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। इसके अलावा हम पौड़ी सीट की बात करें तो वहां बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत को, जो उनके राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा है, और बीसी खंडूरी के बेटे वहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में, टिहरी से माला राजलक्ष्मी शाह जो कि राज परिवार से ताल्लुक रखती हैं, सिटिंग एमपी हैं बीजेपी की, वो वहां से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन उनके विपक्ष में खड़े हैं कांग्रेस के प्रीतम सिंह, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके बारे में कयास लगाए जा रहे थे कि वो टिकट नहीं लड़ना चाहते, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन लास्ट मोमेंट में पार्टी ने उनको आदेश दिया कि आप जाकर के चुनाव लड़िए। इसी तरह से हरिद्वार सीट की बात करें तो वहां से बीजेपी के पूर्व आप प्रदेश के मुख्यमंत्री और सिटिंग एमपी हैं वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक, बड़ा चेहरा है, उनकी छवि पूरी तरह से दांव पे लगी हुई है। और अमरीश कुमार कांग्रेस का एक नया चेहरा है वहां पर, जो पहले समाजवादी पार्टी में थे और समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए और उनको टिकट दिया गया। लेकिन कुल मिलाकर के जो देखा जाए पूरा अगर राजनीतिक समीकरण आप देखते हैं, 2 टिकटों में बदलाव से बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की है कि वो नए लोगों को मौका देना चाहती है, इसलिए उन्होंने नए लोगों को यहां पर टिकट दिया। चाहे अजय भट्ट हो, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तीरथ सिंह रावत की भी यही लगभग स्थिति है। अगर हम जातीय समीकरणों की बात करें तो सीधे एक अगर हम जनरलाइज इस पूरे के पूरे लोकसभा को ले लें, 5 लोकसभा सीटों को, तो यहां पर एक है पहाड़ी। बिल्कुल शैलेंद्र, आएंगे हम आपके पास, रुक करेंगे हम गौतम बुद्ध नगर का। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा काफी अहम है। महेश शर्मा सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक बार फिर चुनावी दंगल में वो कूदे हुए हैं। गुर्जर वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है, महिलाओं की भूमिका भी काफी अहम है सीट पर, और ऐसे में समीकरण किस तरह से बन रहे हैं सतबीर नागार, और साथ की साथ आपको बता दें कि जो समीकरण बन रहे हैं उसमें अरविंद सिंह जो कि जयवीर सिंह के पुत्र हैं वो कांग्रेस से सियासी दंगल में कूदे हैं। सीधे रुख करेंगे कुणाल का। कुणाल बताइए इस बार के समीकरण क्या है, और जिस तरीके से एक बड़ी संख्या में वोटर वहां पर हैं और गौतम बुद्ध नगर क्योंकि जाहिर तौर पर काफी पॉश ये लोकसभा है, ऐसे में कौन से मुद्दे इस बार हावी रहने वाले हैं?
देखिए अनुपम, जिस तरह से चुनाव जब शुरू हुआ था, चुनाव की घोषणा हुई थी, तो उस समय राष्ट्रवाद के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा था, और अब आज मतदान होते होते कहीं ना कहीं जातिवाद के ऊपर चुनाव जो है वो देखने को मिल रहा है। हम बात करते हैं, करीब 23 लाख के आसपास मतदाता हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में बुलंदशहर जनपद की भी दो विधानसभा लगती हैं, टोटल 5 विधानसभा इस लोकसभा में आती हैं, और जिसमें लगभग 23 लाख लोग वोट डालते हैं। अगर बात करें तो 12.5 लाख यहाँ पे करीब पुरुष मतदाता हैं और 10.5 लाख जो है महिलाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इतने करीब 13 प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें एक भी महिला शामिल नहीं है। और डॉक्टर महेश शर्मा का अगर बात करें तो शहर में एक यहाँ पे अलग है, यहाँ मुद्दा है बायर्स का। बायर्स आज भी अपने फ्लैट का जो है वो इंतजार कर रहे हैं, जो उनको वादा किया गया था उनको, लेकिन आज तक उनको नहीं मिला है, तो वो अपना मूड बना के बैठे हुए हैं। अगर वहीं पे बात करते हैं जेवर एयरपोर्ट को लेके, किसानों में काफी रोष था, उनको जो मुआवजे की मांग थी वो उनको अभी तक पूरा नहीं हुआ, वहां समस्या है। तो अलग अलग मुद्दों पे चाहे वो शहरीकरण हो या वो ग्रामीण। जब हम महेश शर्मा का जिक्र करते हैं स्पेशली नोएडा को लेके, तो डेवलपमेंट की अचीवमेंट का वो जिक्र करते हैं, और अब इंडस्ट्रीज को लेकर, और एक और बात जो बहुत ज्यादा नोटिस होती है अनुपम, वो भी जो सांसद निधि मिलती है, हर सांसद को एक फंड मिलता है हर साल के हिसाब से, तो उनका रिपोर्ट कार्ड ये है कि उन्होंने पार्लियामेंट में 70 तो सवाल पूछे, दूसरी बात यह कि तकरीबन 90% पैसा जो है वो उन्होंने डेवलपमेंट पे खर्च किया है। तो परफॉर्मेंस वाइज एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, उनका विरोध भी हुआ है, कुणाल भी इस बात को जानते हैं वो ग्राउंड पर। तो लेकिन जब एक कैंडिडेट अपनी पॉजिटिविटी दिखाता है, जब बीच में जाता है जनता के, तो वो उनको लगता है कि वो उनकी ये स्ट्रेंथ है। तो इस बारे में लोग क्या कह रहे हैं? मैं आपको बता दूं, जिस तरह डॉक्टर महेश शर्मा का विरोध वाकई में विरोध हुआ, देहात क्षेत्र में जबरदस्त विरोध है, और अगर बात करें यहाँ पे जातिगत समीकरण की, तो लगभग यहाँ पे जो गुजर वोट बैंक है वो करीब 4.5 लाख है, उसके साथ में ठाकुर करीब 4 लाख के आसपास यहाँ पे जो ठाकुर मतदाता है। तो कांग्रेस ने भी इस चीज का इंतजार किया, उन्होंने डॉक्टर अरविंद सिंह को कांग्रेस से उतार दिया यहाँ पे, जो ठाकुर वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। वहीं पे यहाँ पे मायावती की जब रैली हुई थी, उसके बाद से जो आह्वान किया गया था कि जितने भी गुजर वोट बैंक है वो अपना एक तरफा उनकी अलग रणनीति बन रही है। महेश शर्मा के लिए चुनौती यह है कि उनके पास में 5 साल के लिए जो उनकी निगेटिविटी है वो भी है, और साथ ही साथ 5 साल में जो उन्होंने काम किए हैं उन कामों की बदौलत वो जनता में जा रहे हैं अपने कामों को लेकर। लेकिन नाराजगी यहाँ पे फ्लैट वायर का मुद्दा है जो आज भी खड़ा हुआ है। अगर बात करें यहाँ पे, तो लगातार जो महेश शर्मा है वो लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम जेवर एयरपोर्ट लेके आए हैं, हमने यहाँ पे सांस्कृतिक, बिल्कुल ये अपनी अपनी बातें, रहता है इन सब चीजों का जिक्र करते हैं कुणाल, इसमें कोई नया नहीं है। एक चीज और थोड़ा सा समझना चाहेंगे अनुपम, निखिल फिर क्या हम ये माने, जैसे अनुपम ने विरोध का जिक्र किया, आप भी हमें ग्राउंड की रियालिटीज बता रहे हैं, ज्यादातर कैंडिडेट्स के जहन में एक और बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, टिकट मिल गई जैसे भी तो हम उसी के सहारे पार हो जाएंगे, तो क्या ये माइंडसेट भी है वहां पर स्पेशली? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरा है, लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पिछले 5 साल काम किया है उन्हें 5 साल और मिलने चाहिए, जैसा लोग चाहते हैं। लेकिन एक दूसरा माइंडसेट भी है, जो एंटी बीजेपी लोग हैं वो दूसरी तरह से चाहते हैं कि बीजेपी किसी तरीके से सत्ता से बाहर जाए। तो यानी वाइसा और वर्षा दोनों तरह की पॉलिटिक्स यहां पर चल रही है, और क्योंकि वेस्टर्न यूपी है, वेस्टर्न यूपी क्रांतिकारी धारा है, हर बार बदलाव भी चाहती है, लेकिन जिस तरीके से 10 साल से बीजेपी का सांसद यहां काबिज है, तो भारी एंटी इनकम्पेंसी भी है, लोग चाहते हैं कि सांसद में बदलाव हो। बीजेपी कैंडिडेट को लेकर बड़ी नाराजगी भी थी, लेकिन दूसरी तरफ से जो गठबंधन का चेहरा है वो एक बड़ा ही कट्टर चेहरा है, हाजी याकूब कुरैशी है, जो अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादित रहते हैं, कभी उनका बेटा मारपीट कर देता है, कभी बेटी मारपीट कर देती है, तो यह भी एक बड़ा फैक्टर है कि लोग चाहते हैं कि ऐसा सांसद चुनके जाए जो संसद में अपनी बात रख सके। मैं आपको बता दूं कि लोग चाहते हैं कि वोट करें। आपके पास जो है हम आएंगे, दरअसल हमारे साथ हमारे सहयोगी किशोर भी जुड़े हुए हैं, मोजो लाइव वो दे रहे हैं, और उनसे भी जरा सा जानते हैं, आपके पास हम आएंगे, बातचीत करेंगे और ज्यादा। किशोर, पहाड़ों में जब हम बात करते हैं, पलायन, पानी, राजधानी, ये विषय हैं, लेकिन जब हमने जनता को सुना तो बहुत से जगहों पे वो बेसिक इश्यूज पर भी बात करने लगी, और एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू था, तो ग्राउंड पर आपने क्या देखा और फाइट जो है किस तरह की दिख रही है अभी? अनुपम,
देखिए आज पहले चरण का चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड में अगर मुद्दों की बात करें तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा अगर फोकस अगर बीजेपी ने किया है तो वो राष्ट्रवाद पे किया है। बीजेपी जानती है कि उत्तराखंड में सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और तकरीबन हर परिवार से कोई ना कोई सेना या अर्धसैनिक बलों में काम करता है, तो बीजेपी को लगा कि ये मुद्दा ज्यादा बेहतर और राष्ट्रवाद का मुद्दा सबसे ऊपर है, उसके बाद तमाम जो और मुद्दे आते हैं। अगर गैरसैंण राजधानी की बात करें वो इस पूरे चुनाव में कहीं नहीं दिखा, भले ही इसमें ये जरूर था कि रोजगार, क्योंकि उत्तराखंड में अगर बात करें तो पलायन आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी, उन्होंने ये कहा था कि जो पलायन हुआ है सबसे ज्यादा वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए हुआ है, यानी जो तीन मूलभूत सुविधाएं हैं इनका कोई जिक्र नहीं किया गया। हाँ ये जरूर था कि लोग ये जरूर पूछ रहे थे कि आखिर रोजगार कौन देगा, किस तरीके से रोजगार मिलेगा। पहाड़ की जो महिलाएं थी, चूंकि पहाड़ की महिलाएं उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, वही सब कुछ करती है, आर्थिकी मानी जाती है। अगर देखा जाए तो जो पुरुष होते हैं बाहर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में या फिर सेना में या अर्धसैनिक बलों में सर्विसेज में चले जाते हैं, महिलाएं पूरे उत्तराखंड में ज्यादातर रहती है। तो वो सवाल जरूर पूछ रही थी कि आखिर हमारे जो बच्चे हैं उनको रोजगार कौन देगा। तो ये तमाम बिल्कुल बिल्कुल किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए, आएंगे हम आपके पास। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में जो बदले हुए समीकरण 2014 में, आपको बताएं कि 2014 में जो तस्वीर थी इन पांचों लोकसभा सीटों की, पांचों सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन उस वक्त टिहरी में महाराज लक्ष्मी शाह ने साकेत बहुगुणा को हराया था, उसके बाद बहुगुणा परिवार बीजेपी में आ गया, यानी कि उस वक्त जो कांग्रेस में थे वो इस वक्त बीजेपी में है, यानी कि उत्तराखंड की राजनीति में तब से अब तक बहुत पानी बह चुका है और इस बार बदले हुए समीकरण है। इस बार नैनीताल पर कांटे की टक्कर है हरीश रावत के बीच, और जिस तरीके से वहां पर अजय भट्ट को सियासी दंगल में उतारा है, तो जीनत यहां पर उत्तराखंड का सियासी दंगल इस बार इतना आसान नहीं है। अपने विधानसभा हारे भी है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिर भी देखिए टिकटें मिली है। खैर और बारीकी से भी जानेंगे और जनता क्या सोचते, लेकिन आप वोट करने जरूर जाइएगा।